अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, वैका टूल, जिसका नाम है वैका टूल। ठीक है, वैका टूल पे आपको पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ठीक है, वैका में जो प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, आज क्लासिफिकेशन। ठीक है, कल जो वैका में क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो कैसे हम यूज़ करते हैं, वो उसके बारे में आपको बताऊँगा कि वो उसमें कहाँ से कैसे फंक्शनैलिटी, जो वैका टूल है एल्गोरिथम, वो कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊँगा। इससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, आज क्योंकि रोज़ा भी है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वैका को ओपन कर लेना है। ठीक है, ये आइकॉन आपके सामने आ रहा है वैका का। ये आइकॉन है वैका का। ठीक है, ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है। और ये इसका इंटरफेस आप लोगों के सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्सप्लोर पे चला जाना है, जहाँ पे आपने जो डाटा सेट है वो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये प्री प्रोसेसिंग, ये देखेंगे यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग आ रहा है। ठीक है, या आपने, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग बेसिकली होता है कि आपने जो मतलब के फाइल अपलोड करनी है वो ओपन करनी है, ये ओपन फाइल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। और जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि ये जो इसके अंदर जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन इसके अंदर हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके डिफरेंट एल्गोरिथम है, हम चेक करेंगे कि उसको क्लासीफाई हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलरेडी डाटा सेट पड़ा होता है। ठीक है, वैका के अंदर, तो हम इसको आज देखते हैं कि वो कहाँ पे पड़ा है, तो वो मैं आपको पूरा आज डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल होती है आपने वहाँ पे चले जाना है। ठीक है, लोकल ड्राइव पे करना है। यहाँ पे आपने प्रोग्राम फाइल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ये देखेंगे वैका जहाँ पे इंस्टॉल है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और इसके डाटे पे क्लिक कर लेना है आपने। ठीक है, ये देखें डाटे पे, इस पर क्लिक करें और ये देखें इसके अंदर बिल्ट इन डाटा भी पड़ा हुआ है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बिल्ट इन बजाय इसके कि आप डाटा सेट कहीं से ढूंढें उसको पहले, ठीक है, तो आप इसके अंदर भी बिल्ट इन डाटा पड़ा हुआ है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वैका टूल, ठीक है, जो डाटा माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस पे जिससे जैसा कि आपको बताया कि अपने आज जो क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है वो वैका में हम आज ट्राई करेंगे। ठीक है, डिफरेंट जो एल्गोरिथम है वो हम इसमें आपको अप्लाई करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जिससे पहले, सबसे पहले आपने जो मतलब के डाटा सेट आपने लेना है, ठीक है, वो आज आपको बताएंगे कि डाटा सेट हमारा कौन सा होना चाहिए। ठीक है, ये एल्गोरिथम है जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में 5 एल्गोरिथम यूज़ करने हैं, जो लिंग्विस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है, नेबर बेस है और डिसीजन ट्री है, के नियरेस्ट नेबर है और स्पोर्ट वेक्टर मशीन है। ठीक है, SVM जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये हमने और डाटा सेट हमने जो यूज़ करना है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या आपने जो डाटा सेट वो भी आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये आयोस्फीयर का डाटा सेट जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, एटमोसफियर का डाटा जो आपने इस्तेमाल करना है वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने सबसे पहले आपने डाटा सेट, ठीक है, अपलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ से फाइल, ठीक है, ऐसे जाके डाटा सेट पे और जाके आपने फाइल ओपन कर लेनी है। यहाँ पे ये यहाँ पे ये देखें, ये डाटा सेट पड़ा हुआ है, ये आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और ये ओपन कर लेना है फाइल, ये देखें। ठीक है, आपके पास यहाँ पे डाटा सेट जो है ये ओपन हो चुका है। ठीक है, और ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये इंस्टेंस आपके कितने हैं, 351 है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ये बताए हुए हैं, सामो बेटरी बताया, नेम है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू 0 है, टेस्टिंग, ठीक है, और ये टाइप इसका
न्यूमेरिक तो टाइप है, ठीक है। सबसे पहले आपने, ठीक है, डाटा सेट आपका ओपन हो गया, आपने क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चूज पे आपने, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कौन सा आपने क्लासिफिकेशन में करना है, ठीक है, जिसमें आपको रिग्रेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। रिग्रेशन, ये जहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखाता हूँ कि ये रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन में आपने, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, ये आपने एल्गोरिथम यूज करना है, ठीक है, ये आपको भी बताते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपने चूज कर लेना है, ये यहाँ पे फंक्शन पे जाना है, आपने फंक्शन पे जाके ये देखें, ये लॉजिस्टिक लिखा हुआ है, ठीक है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, आपको ये मुकम्मल डिटेल के बारे में बता देता है, जैसे ये मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखें, मुकम्मल डिटेल के बारे में ये बता रहा है, ठीक है, ये देखें, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, ये सारा इसके डिटेल में बता रहा है। इस पे इसको आपने क्लिक कर लेना, ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे आपने स्टार्ट कर लेना, ठीक है, ये आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले आपने रिजल्ट में क्या देखते हैं इसमें, कि कौन सी एक्यूरेसी, आप सबसे पहले एक्यूरेसी देखते हैं कि एक्यूरेसी इसकी कितनी है, ठीक है, जो आपने एल्गोरिथम यूज किया है उसकी एक्यूरेसी, बेसिकली वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। आप अगर उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो फिर वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि उसकी हम एक्यूरेसी चेक करते हैं ना, तो ये देखिए 88.88 इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी इसकी आ रही है, शो हो रही है, ठीक है, ये इसकी एक्यूरेसी है। और इनकम्प्लीट जो इंसिडेंट है इसके, ये कितने परसेंट आ रहे हैं, 11%, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो हमने इसमें मेजर चीज एक देखनी होती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये नीचे ये वाला जो शो हो रहा है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स शो हो रहा है, ठीक है। ये आपने मैट्रिक्स देखना होता है कि ये यहाँ पे जिसमें ए और बी क्लासिफाई अलग अलग किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने जो सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, उसके बाद आपने ये नेव वाइज आपने एल्गोरिथम यूज करना है, ठीक है, ये आपके सामने नेव वाइज एल्गोरिथम है, ठीक है, ये आपको यूज करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे ये 22 पे चला जाना है, ठीक है, 22 पे जाके ये पहला, ये सेकंड पे जो पड़ा हुआ है नेव वाइज, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इसकी आप देखें, ठीक है, सिंपल टूल है, जस्ट क्लिक है, इसमें ना आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, ठीक है, ये देखिए इसमें एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 82.62, ठीक है। और इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये आपके सामने शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स ए और बी अलग-अलग क्लासिफाइड किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो, हमने जो तीसरा यहाँ पे ठीक है, हमने तीसरा जो यहाँ पे यूज करना है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम वो है डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री यहाँ पे चले जाना है। और ये कहाँ पे, ट्रीज में जाके ये जो लिखा आर ई पी, ठीक है, ट्री, ये डिसीजन ट्री है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा ये फॉर डिसीजन ट्री, ठीक है, ये देखिए यही वही है डिसीजन ट्री, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है, ट्री पे चले जाना है और इस पे आपने क्लिक कर लिया, ये डिसीजन ट्री पे क्लिक, और यहाँ पे आपने स्टार्ट कर, और आप चेक करें इसमें एक्यूरेसी चेक करें, 89.45 है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी देखें डिसीजन ट्री की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है इसकी, 89.48, ठीक है, इस जो सबसे ज्यादा रही है, देखिए ना क्लासिफाई हमने किया है तो हमें पता अंदाजा हो रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा जो क्लासिफिकेशन में, ठीक है, एल्गोरिथम में जो एक्यूरेसी है वो किसकी यहाँ पे अब शो हो रही है, ठीक है, सबसे, ठीक है, 89 पॉइंट, इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही आ गया, ठीक है। और इसके बाद हमने जो चूज करना है वो आपको दोबारा यहाँ पे बताता चलो कि ये डिसीजन ट्री है, उसके बाद के नियरेस्ट नेबर है, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर आपने एक एल्गोरिथम यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने चला जाना है और लेजी पे आपने क्लिक करना है, ये जो लेजी आपके सामने शो हो रहा है इस पे आपने क्लिक करना है, और ये आई बी के, ये के नियरेस्ट नेबर है, ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने शो हो रहा है, ये देखिए के नियरेस्ट नेबर, ये देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है, आई बी के आपने सेलेक्ट कर लेना है
और इस पे आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी देखिए 86.32 आ रही है इसकी एक्यूरेसी, ठीक है। और इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये आपके सामने शो हो रहा है, नीचे ये यहाँ पे देखें क्लासिफाइड जो किया गया ए और बी, ठीक है। और इसके बाद जो फाइव एल्गोरिदम है, जो फिफ्थ एल्गोरिदम हमने यूज किया यहाँ पे, ये देखिए SVMS स्पोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, ये हमने यूज किया यहाँ पे। और हम इसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं, ये फंक्शन में जाएंगे सपोर्ट SMO, ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसमें एल्गोरिथम, ये सपोर्ट वेक्टर, ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, SMO, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी देखें, इसकी एक्यूरेसी आप चेक करें यहाँ पे 88.60, ठीक है। और कंफ्यूजन मैट्रिक यहाँ पे क्लासिफाई जो किया गया है, ये देखें यहाँ पे क्लास कंफ्यूज मैट्रिक जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आप हमने फाइव एल्गोरिथम यहाँ पे यूज किए, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हमने किस में फाइंड की है, जो एल्गोरिथम हमने यूज किया था डिसीजन ट्री, ठीक है, डिसीजन ट्री की 89.48, ठीक है। तो हम रिजल्ट में सोच कर सकते हैं कि जो हमने क्लासिफिकेशन की है, ठीक है, आयनोस्फियर डाटा सेट जो है उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें क्लासिफिकेशन हमने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम यूज किए हैं, ठीक है, जिसमें हमने लोकेशनल रिग्रेशन ए बाइज और डिसीजन ट्री स्पोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, और हमने के नेबर जो यूज किया है। सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हमारी किस पे आई है, डिसीजन ट्री पे, ठीक है। उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये सिंपल टूल है, आप लोग ट्राई करें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डाटा साइंस में आजकल इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, जो हम यूज में एनाकोंडा भी करते हैं जिसमें पाइथन यूज होती है, लेकिन ये बिल्कुल कोडिंग के बगैर है। आपने इसमें कोडिंग थोड़ी बहुत भी नहीं करनी होती, कोडिंग जैसा कि आपको मैंने बताया सिंपल इसका, ठीक है, सिंपल इसमें आपने सिर्फ जस्ट वन क्लिक करना है और आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। उम्मीद है कि आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।